तो चलिए अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हमारे एक स्पेशल रिपोर्ट भी आपको दिखाने का वक्त हो चुका है। राजधानी रायपुर स्थित रेलवे स्टेशन पर पार्किंग अब यात्री और उनके परिजनों के लिए सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि पार्किंग ठेकेदार और उनके गुर्गे धमकी और साथ ही गाली गलौज पर अनाप शनाप वसूली कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इस मामले में जिम्मेदार रेलवे और आरपीएफ अधिकारी मौन साधे हुए हैं। इन सब पर देखिए आईएनएच की खास रिपोर्ट। रेलवे ने राजधानी के स्टेशन पार्किंग का ठेका आसिफ मेनन नामक ठेकेदार को दिया है। पार्किंग ठेका में यह निर्धारित है कि बाइक 5 मिनट और कार 7 मिनट तक रखे जा सकते हैं। इसके बाद वे निर्धारित पार्किंग का शुल्क जमा करेंगे। वहीं निर्धारित पार्किंग स्थल से अलग स्थान पर गाड़ियां पार्क होने पर बाइक पर 50 रुपए और कार पर 100 रुपए तक का चालान वसूला जा सकता है। इसी की आड़ में पार्किंग ठेकेदार जमकर उगाही कर रहा है। बड़ा सवाल यह भी है कि चालान की राशि वसूलने का कार्य सरकारी एजेंसी कर सकती है, ना कि पार्किंग ठेकेदार। इसे लेकर रेलवे के अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जब से पार्किंग का ठेका हुआ है, तब से ठेकेदार के आदमी लोहे के बड़े बड़े लॉक लेकर परिसर में घूम रहे हैं और अनाप शनाप वसूली कर रहे हैं। किसी से 500 तो किसी से 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की वसूली की जा रही है। आज भी रेलवे स्टेशन में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। रेलवे स्टेशन में पार्किंग आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि गाड़ियाँ खड़ी होती है तो उनसे पार्किंग शुल्क तो वसूला जाता है, साथ ही चालानी कार्रवाई भी होती है। और इसे लेकर जो है पार्किंग ठेकेदार के आदमियों के साथ जो है यात्रियों के परिजन की लगातार रोज बहस होती है। अभी अब से कुछ देर पहले भी यहाँ पर बहस हो रही थी। कुछ लोग भी हैं जिनकी कारों में लगा हुआ है। क्या हुआ है आपके साथ, क्या क्या बहस हो रही थी? भैया पार्किंग का मांग रहे 500 रुपये फाइन। यहाँ पर 2 मिनट लगा के गया, कुछ बताया नहीं और बोलते कि 500 रुपये फाइन दो। क्या जायज है ये फाइन मांग रहे? बिल्कुल नहीं है भैया। क्या चालानी राशि बोल रहे हैं इसको इन लोग? हाँ चालान। क्या लगता है ये तो रेलवे जो शासकीय अधिकारियों का काम होता है चालान वसूलना, क्या इन लोग पार्किंग वाले वसूल सकते हैं? नहीं भैया ये तो कोई इनका वो मेरे को दिखता नहीं है क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों से 100 नहीं 500 रुपए हालांकि लिखा हुआ है जो इनके जो बोर्ड है। आप भी आए हो यहाँ पर, क्या शिकायत है? शिकायत मेरी ऐसा है कि सर किसी एक के साथ मतलब नहीं करना चाहिए। जैसे कोई दूसरा भी है, किसी को छोड़ देते हैं, किसी से ले लेते हैं। मतलब रुपया मांग रहे हैं आपसे? मेरे से सर मेरे 100 रुपए मांग रहे हैं। उनसे 500 रुपए मांग रहे हैं? आपसे 100 मांग रहे हैं? 100 मांग रहे हैं मेरे से। इनसे 100 रुपए मांग रहे हैं, आपसे क्यों 500 मांग रहे हैं? पता नहीं, बोलते 500 रुपए रसीद कटाना तो बोलते 500 रुपए नहीं तो 100 रुपए दे के ऐसे ही चले जाओ बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों गाड़ियां देख सकते हैं, एक गाड़ी यहां लगी है, इनसे 500 रुपए की डिमांड हो रही है। उनसे जो एक गाड़ी बाजू में खड़ी है उनसे 100 रुपए की डिमांड हो रही है। इस प्रकार से जो है चालानी कार्रवाई यहाँ पर होती है और रोज बहस भी होती है। हालांकि हम यहाँ खड़े हैं तो किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, लेकिन बताया जा रहा है कि यदि ना रहे कोई तो जो लोग आते हैं यहाँ पर जिनकी गाड़ियाँ खड़ी होती है उनके साथ मारपीट तक की नौबत आ जाती है, गाली गलौज तक की नौबत आ जाती है। कहीं ना कहीं रेलवे को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पार्किंग का ठेका दिया गया है, ना कि जबरिया वसूली का ठेका दिया गया है, गुंडागर्दी करने का ठेका दिया गया है। कैमरामैन रिजवान कुरैसी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने INS 24x7 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार के 100 दिनों का काम पर पूरी उम्मीद है बीजेपी 11 की 11 सीटें जीतेगी। कांग्रेसी 4 जून के बाद ईवीएम पर सवाल उठाएंगे और पूरे देश में यही राग अलापते रहेंगे। निगम मंडल और संसदीय सचिव की नियुक्ति पर नेताम ने कहा कि इस पर संगठन और सरकार के मुखिया निर्णय करेंगे, निकाय चुनाव प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे ये तय नहीं हुआ है। मंत्री रामविचार नेताम ने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मौजूद हैं कृषि मंत्री रामविचार नेताम, उनसे बात करेंगे। सर छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, किस तरह की स्थिति आप देख पा रहे हैं सीटों को लेकर, क्योंकि कई सीटों पर आपने काम किया है? देखिए मोदी जी के गारंटी पे भरोसा करके छत्तीसगढ़ की जनता ने यहाँ प्रदेश की सरकार बनाया और प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 100 दिन के अंदर 3 महीने के अंदर जो प्रदेश की जनता के लिए जो काम हुआ है उस पर हम सबको भरोसा है, उम्मीद है, अपने काम पे उम्मीद है। और इसलिए हम एक कह सकते हैं कि जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मिला,
उनका जो स्नेह झलकता था, समर्थन दिखाई देता था, उस आधार पर बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी जगह जो है मोदी में कार्यक्रम हुए या फिर लोगों का आशीर्वाद भी मिलता रहा, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि 11 के 11 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जी 11 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, तो 4 जून को नतीजे जब आएंगे तो उसके बाद फिर कांग्रेस ही करेंगे क्या, क्या लगता है आपको? कांग्रेस तो ईवीएम पे सवाल उठाएंगे, ईवीएम से गड़बड़ी हो गया, ये इसके अलावा क्या बोलना है, पूरे देश भर में उसी का राग अलापेंगे, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, वो करेंगे ही वो लोग। बहुत सारे भाजपा नेता हैं जो निगम मंडलों में नियुक्ति की बात जो रहे हैं, संसदीय सचिव बनाए जाने की भी बात हो रही है, तो ये प्रक्रिया कब तक शुरू हो जाएगी क्या लगता है आपको? ये मेरा विषय नहीं है, इस संगठन सरकार के मुखिया इस बारे में निर्णय करेंगे, तो पहले भी होते रहे हैं। मैं समझता हूं कि होंगे, समय आने पर वो भी हो जाएगा। बहुत सारे बाढ़ जो आ रहे हैं तो उनका भी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। नेताजी जी एक अंतिम सवाल है, अगले वर्ष निकाय चुनाव होने हैं, तो निकाय चुनाव कैसे होंगे इसको लेकर बात शुरू हो गई है, भूपेश सरकार थी तो जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए थे, तो क्या लगता है ये चुनाव कैसा होगा, आपका क्या विचार है? ये सब अभी कोई इसमें तय नहीं हुआ है, और फैसला लेने के लिए सरकार संगठन आम जनों का सुझाव जो होगा उसके आधार पर निर्णय होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मंत्री रामविचार नेताम, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बात की, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें छत्तीसगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भाजपा जीत रही है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ स्वप्न गोरखेड़े, एनएच न्यूज रायपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें बीजापुर के पीड़िया के जंगल में 10 मई को हुए मुठभेड़ को गांव वालों ने फर्जी होने का आरोप लगाया है। इस मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे जाने का पुलिस ने दावा किया था, हालांकि पुलिस ने मुठभेड़ को फर्जी बताने व नक्सलियों का प्रोपेगेंडा इसे बताया है। हकीकत जानने के लिए RS 24/7 की टीम घटना स्थल पर पहुंची, देखिए इन सब पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हकीकत जानने के लिए RS 24 की टीम दिन भर के सफर के बाद शाम करीब 7 बजे पीड़िया पहुंची। सबसे पहले हमारी मुलाकात एक ऐसे घायल युवक से हुई जिसे ग्रामीण चारपाई में लाद कर घुमा रहे थे। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान ही युवक को 3 गोलियां लगी थी, जिसे इलाज की सख्त जरूरत है, परंतु ग्रामीण पुलिस के डर से जिला मुख्यालय लाने से कतरा रहे हैं। पीड़िया में रात बिताने के बाद टीम जब घटना स्थल पहुंची, जहां से पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हथियार समेत 12 शव भी बरामद किए थे। जहां पर यह मुठभेड़ बताई जा रही है, वहां कुछ चप्पलों के चप्पल भी पाए गए हैं, उसके अलावा कुछ कपड़े हैं वो पाए गए हैं, और इस मुठभेड़ में नक्सलियों को नहीं बल्कि 12 ग्रामीणों को मुठभेड़ के नाम पर हत्या कर दी गई है, और अब ये ग्रामीण इस मुठभेड़ पर सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। मुठभेड़ स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं रोती बिलखती नजर आई। गांव वालों ने बताया कि कथित मुठभेड़ में मारे गए लोग वास्तव में ग्रामीण थे, मुठभेड़ के समय तेंदुपत्ता तोड़ रहे थे। अच्छा नरेश, ये बताओ उस दिन तुम कहाँ थे, घटना कैसे हुई, जो लोग मारे गए क्या वो वास्तव में नक्सली थे या ग्रामीण थे? सर हम लोग तेंदुपत्ता कर रहे थे सर, वहाँ पे पुलिस लोग आने के बाद गांव वाले बेचने के लिए लाए थे तेंदुपत्ता तोड़ के, वहाँ पे उनको देख के पुलिस लोग आ रहे हैं बोल के ये गांव वाले डर के, इसलिए चलो जाएंगे अपना अपना घर बोल के उन लोग आ रहे थे सर। पुलिस लोग पीछे पीछे आके पूरा दौड़ते लाए सर, इधर भगा के लाए, तो यहाँ पर इतवर से भी बाकी लोगों को इधर से दौड़ते लाए, अपना पिड़िया से भी लेके आया, ऐसे करते 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 एक ही जगह जमा करके इस जगह में फायरिंग शुरू हो गया। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ग्रामीणों के इन आरोपों को खंडन करते हैं। उनका कहना है कि यह नक्सलियों का षड्यंत्र है, इस मुठभेड़ में जो लोग मारे गए हैं वह सभी नक्सली थे, और उनसे जुड़े तथ्य और पुख्ता सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। लगभग ये 12 घंटे की जो हमारी उसमें से जो फायर हुआ है,
लगातार अलग अलग समय पर 9 से 10 बार हुआ था, इसके बाद एम्बुश भी लगे थे। तो जो मारे गए हैं वो प्रॉपर नक्सली है, उनके खिलाफ हमारे पास अपराध भी कायम है, पुराने अपराध भी कायम है, इसके अलावा नक्सल प्रोफाइल भी उनके सामने। दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर में कई मुठभेड़ों को फर्जी होने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पुलिस पीड़िया में इन आरोपों को षड्यंत्र बता रही है, लेकिन बस्तर में नक्सलियों पर दबाव बनाने में कामयाब नजर आ रहे सुरक्षा बल को सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि उस पर अंगुली न उठे और किसी बेगुनाह का खून न बहे। ग्राउंड जीरो से INS 24/7 के लिए गणेश मिश्रा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस और भाजपा एक बार फिर आमने सामने हैं। बीजापुर के पीड़िया गांव में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसमें 12 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई। लेकिन अब इस पूरे मामले में कांग्रेस न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि इस एनकाउंटर को ही फेक करार दे रही है। देखिए इस रिपोर्ट। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र में पीड़िया के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया था। 1200 से अधिक जवानों के जंगल को घेरकर नक्सलियों के मांद तक पहुंचने की जानकारी सामने आई। 12 नक्सलियों के शवों को बरामद करने के साथ ही कई हथियार भी जब्त किए गए। लेकिन अब यह एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मुठभेड़ को फर्जी करार देते हुए जांच के लिए समिति गठित कर दी है। कांग्रेस ने स्थानीय ग्रामीणों का हवाला देते हुए कहा कि कई ग्रामीणों को भी मार दिया गया है, और तो और एक ऐसे व्यक्ति की भी हत्या कर दी गई जो गूंगा था, बोल भी नहीं सकता। कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम के संयोजन में जांच समिति बनाकर घटना की जांच करने कहा है। इसी के साथ इस पर सियासत शुरू हो गई है। पीड़िया में हुई नक्सली सुरक्षा बलों के मुठभेड़ पर गांव वालों ने सवाल खड़ा किया है। गांव वालों का कहना है कि इस घटना में निर्दोष ग्रामीण मारे गए हैं और इस घटना में एक गूंगे युवक सन्नो की भी हत्या हुई है। गांव वालों के सवाल के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया है। नक्सलवादी घटनाएं जब भी होती है, सुरक्षा बलों को जब भी सफलता मिलती है, कांग्रेस पार्टी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का काम करती है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, पर हमारे सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा बल के लोग पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। फोर्स लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। नक्सलियों से सरेंडर की अपील भी की जा रही है। इसी बीच नक्सलियों के नाम पर ग्रामीणों के मारे जाने को लेकर के सियासी बवाल तेज है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि नक्सलियों के खिलाफ हर दिन तेज होती लड़ाई में सुरक्षा बलों को सफलता तो मिले, लेकिन किसी निर्दोष को नुकसान का सामना ना करना पड़े। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजापुर की मुठभेड़ को फर्जी बताया, जिस पर पलटवार करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को कमेटी बनाने की आदत है। चीरम घटना को लेकर भी कमेटी बनाई गई थी, उसमें क्या हुआ? जांच यदि करना है तो उचित बिंदुओं पर जांच की जाए। नक्सलियों ने कितने जवानों को मारा इसकी जांच करें। 76 जवान जब शहीद हुए थे तब कहां थे? वे जांच कमेटी बनाने के लिए तब क्यों नहीं गए? डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि सबको साथ मिलकर सब कुछ ठीक करना होगा। हमारे सुरक्षा बलों का मनोबल कोई ना तोड़े, इस पर ध्यान देना चाहिए। कमेटी बनाने की आदत है, वो भी जांच पता नहीं चली, उसी जांच कमेटियां बनी, वो भी जांच पता नहीं चली। मसला ये है कि कमेटी बनाकर करेंगे क्या? भाई जांच अगर करना है तो उचित बिंदुओं पर जांच करें। नक्सलियों ने कितनों को मारा है इस पर भी जांच होनी चाहिए। नक्सलियों ने कितनों को अपंग किया है इस पर भी जांच होनी चाहिए। तब कोई क्यों नहीं बोलता है? तब क्यों बात क्यों नहीं आती है? 76 जवान मरे थे ताड़मेटला में, तब कहां थे सब लोग? कोई जांच समिति तब बना कर नहीं जाते वहां पर? समझना चाहिए भैया, ऐसे नहीं होता है। सबको मिलकर ठीक करना होगा,
मनोबल हमारे सुरक्षा बलों का कोई न तोड़े, ऐसा प्रार्थना है सब। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को मंगलवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एक बार फिर आरोपी अर्जुन सिंह यादव को 23 मई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर सौंप दिया। अर्जुन के अलावा आरोपी सतीश चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, रितेश यादव और राहुल वक्ते की भी कोर्ट में पेशी हुई। इन सभी आरोपियों को भी 29 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 7 लोग के लिए 29/5/2023 के लिए है, 24 के सॉरी, और एक का 23 तारीख के लिए। तो इसमें अर्जुन को अर्जुन को लिए हैं रिमांड, पुलिस रिमांड में, और बाकी लोग को न्यायिक रिमांड में लिए हैं 7 लोग को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर कुछ महीने पहले फेसबुक पे विज्ञापन देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। इसके बाद उसे बताया गया कि शेयर बाजार में निवेश करने पर बड़ा लाभ होगा, जिसके बाद डॉक्टर ने शुरुआत में मामूली रकम निवेश किया तो सच में उन्हें फायदा होने लगा। इसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा करीब 3 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया तो उसे ठगी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फ्रॉड के जो मामले आ रहे हैं उसमें शेयर मार्केट में हिस्सेदारी और आईपीओ को लेकर ये ट्रेंड चला है, जिसमें कुछ लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, कुछ समय तक उनको अलग अलग प्रकार के आईपीओ और शेयर के बारे में जानकारी दी जाती है। जानकारी देने के बाद धीरे धीरे से इस प्रकार के कस्टमर को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ प्रारंभिक तौर पे छोटे छोटे पैसे उनसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं, जिसका उनको रिटर्न भी दिया जाता है। जब वो कस्टमर उनकी पूरी तरह से विश्वास में आ जाता है तो फिर कई लाख रुपए करोड़ों रुपए की राशि वो लोग एक बार में अपने पास आरटीजीएस करवा लेते हैं और उसके बाद उस व्हाट्सएप अकाउंट को बंद कर देते हैं। बात करते हैं बलौदा बाजार की, जहां बलौदा बाजार पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से 8 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात समेत कुल 10 लाख से अधिक का सामान जब्त किया है। कल एक बाइक चालक धनेन्द्र दू, वो सिंगा का ही रहने वाला है, वहाँ रास्ते में चलते दौरान 3 अज्ञात लड़के जो उसे रेस ड्राइविंग कर रहे थे, उनको ये समझाने के उद्देश्य जब अच्छी से गाड़ी चलाओ करके तो उसको लेकर इन्होंने इनके साथ विवाद किया था, मारपीट किया गया। 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ इसमें सिंगा में 293/506 मामला पंजीबद्ध किया गया है। अभी इसमें सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें महादेव सट्टा ऐप मामले में बर्खास्त आरक्षक अर्जुन सिंह यादव को मंगलवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने एक बार फिर आरोपी अर्जुन सिंह यादव को 23 मई तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर सौंप दिया। अर्जुन के अलावा आरोपी सतीश चंद्राकर, चंद्रभूषण वर्मा, सुनील दम्मानी, भीम सिंह यादव, रितेश यादव और राहुल वक्ते की भी कोर्ट में पेशी हुई। इन सभी आरोपियों को भी 29 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 7 लोग के लिए 29/5/2023 के लिए है, 24 के सॉरी, और एक का 23 तारीख के लिए। तो इसमें अर्जुन को लिए हैं रिमांड, पुलिस रिमांड में, और बाकी लोग को न्यायिक रिमांड में लिए हैं 7 लोग को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां डॉक्टर कुछ महीने पहले फेसबुक पे विज्ञापन देखकर एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। इसके बाद उसे बताया गया कि शेयर बाजार में निवेश करने पर बड़ा लाभ होगा, जिसके बाद डॉक्टर ने शुरुआत में मामूली रकम निवेश किया तो सच में उन्हें फायदा होने लगा। इसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा करीब 3 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया तो उसे ठगी का एहसास हुआ। फिर उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस से दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फ्रॉड के जो मामले आ रहे हैं उसमें शेयर मार्केट में हिस्सेदारी और आईपीओ को लेकर ये ट्रेंड चला है, जिसमें कुछ लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, कुछ समय तक उनको अलग अलग प्रकार के आईपीओ और शेयर के बारे में जानकारी दी जाती है। जानकारी देने के बाद धीरे धीरे से इस प्रकार के कस्टमर को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर
कुछ प्रारंभिक तौर पे छोटे छोटे पैसे उनसे इन्वेस्ट कराए जाते हैं जिसका उनको रिटर्न भी दिया जाता है। जब वो कस्टमर उनकी पूरी तरह से विश्वास में आ जाता है तो फिर कई लाख रुपए करोड़ों रुपए की राशि वो लोग एक बार में अपने पास आरटीजीएस करवा लेते हैं और उसके बाद उस व्हाट्सएप अकाउंट को बंद कर देते हैं। ओपन किया गया फुटेज आधार पर इसमें एक आरोपी की पहचान हुई है, उसके घर में दबीज दी गई, आरोपी फरार है, जल्द से गिरफ्तारी करके इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और आगे बात करते हैं राजधानी की, आपको बता दें राजधानी रायपुर में पहली बार 40 साल बाद पुरानी बस्ती स्थित टूरी हटरी में भगवान जगन्नाथ के लिए नया रथ तैयार किया जा रहा है। इस रथ को रायपुर के कारीगर हबीब खान और पुत्र रियाज खान के द्वारा रथ तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें रियाज खान ने बताया कि भगवान का रथ नीम की लकड़ी के साथ साथ सराई की लकड़ी का भी इस्तेमाल कर बनाया जा रहा है। बचा हुआ काम 25 दिन में पूरा हो जाएगा। इसकी ऊंचाई 17 फीट होगी और वही वजन 2500 किलो है। तैयारियां की जा रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रथ जो है जगन्नाथ भगवान के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें एक नया प्रयोग जो है वो अब यहाँ पे हुआ है। वो प्रयोग क्या है आखिर वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको बता दें कि ये प्रयोग जो है इस पे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार ऐसा किया जा रहा है जिसमें ब्रेक लगाया जा रहा है इनके पहियों पर। आखिर ब्रेक क्यों लगाया गया, सीधे चर्चा करेंगे क्या कुछ इस रथ की विशेषता है, इनसे भी जानते हैं जो कि इनके कारीगर है, उनसे ही समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से ये तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ खास है इस रथ का। जी, इसमें ब्रेक की सुविधा रहेगी जिससे दुर्घटना से बचाया जा सकता है और इसमें स्टेयरिंग की सुविधा रहेगी जिससे आसानी से मोड़ा जा सकता है। रथ की मैं बात करूं तो कितना देर का वक्त लगा है, कैसे इसको तैयार किया गया? जी, इसमें अभी 25 दिन का समय लगा है, अभी 20 दिन का समय इसमें और लगेगा अंतिम स्वरूप के लिए, एक महीने से ऊपर का समय इसका लगेगा। जी जी, कितने कारीगर मिलकर इसको बना रहे हैं और जो ब्रेक की हम बात कर रहे थे वो ब्रेक कहाँ पे लगने वाला है? जी, इसको हम दो लोग मिलकर बना रहे हैं, मेरे पापा और मैं। जी, कितने साल से आप लोग ये काम कर रहे हैं? आपके पापा की अगर हम बात करेंगे तो कितने साल से? पापा वही 29 साल से इस कार में जुड़े हुए। अगर हम बात करेंगे इस प्रकार से रथ बनाने की तो लगातार हमने देखा उड़ीसा और तमाम राज्यों से यहाँ पर कारीगर आते थे, तो ये छत्तीसगढ़ में आप लोग कैसे शुरुआत की और कैसे इसको खाना के हमको? जी, आज से 29 साल पहले मेरे पापा ने रथ बनाए थे डीके परिसर के लिए। जी, उसके बाद फिर 2 साल पहले महाराष्ट्र के लिए बनाए थे, गोंदिया के लिए, फिर उसके बाद ये रहते हैं तैयार होगा, उस पर ब्रेक लगने वाला है जो कि छत्तीसगढ़ में एक नया प्रयोग माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये प्रयोग आने वाले समय में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा जिससे दुर्घटनाओं को भी रोका जा सकेगा। कैमरामैन अरुण के साथ दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।